इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान जो चार मैच की T20I सीरीज है उसका आगाज 8 नवंबर से होने जा रहा है और पहला जो मुकाबला है वो 8 नवंबर को खेला जाएगा। इससे पहले आखिरी बार इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो आखिरी T20I मुकाबला था वो फाइनल T20I वर्ल्ड कप का था, जहां पर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में हराया था। अब कुछ महीने गुजरने के बाद टीम इंडिया दोबारा साउथ अफ्रीका करेगी और जो पहला मैच है वो 8 तारीख को खेला जाएगा। वही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई साहब कितने मैच है, कब ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे, टाइमिंग क्या है, कहां पर आप ये मैच देख सकते हैं, तो सभी चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर जाइए, हमारे पेज को आप फॉलो कीजिए और आपको हमेशा से हम क्रिकेट की जो अपडेट्स है वो देते रहते हैं। तो चलिए, ये जो टूर है इसमें भाई साहब जो टीम इंडिया के कैप्टन है वो सूर्य कुमार यादव है। आपको मालूम होगा कि जो विराट कोहली या रोहित शर्मा है उन दोनों ने T20I से रिटायरमेंट ली है, तो भाई साहब जो नया कैप्टन इंडिया का है वो सूर्य कुमार यादव है। फिलहाल अगर देखें तो अभी रिसेंटली टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सीरीज खेली थी, टेस्ट सीरीज इंडिया में ही, और न्यूजीलैंड ने 3-0 से उनको शिकस्त दी थी। लेकिन अब टीम इंडिया चाहेगी कि कम अज कम T20I में भाई साहब साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज जीती जाए। और रिकॉर्ड इंडिया का बुरा नहीं है, अभी तक इन दोनों टीमों ने आपस में 27 T20I मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 15 मुकाबले जीते हैं, 11 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, जबकि एक मुकाबले का कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं हुआ था। अब जो ये मैच है, पहला मैच 8 तारीख को खेला जाएगा, दूसरा T20I मुकाबला 10 तारीख को खेला जाएगा, तीसरा जो T20I है उनको खेला जाएगा और आखिरी मुकाबला सही को खेला जाएगा। तो लगभग एक डेढ़ हफ्ता है आप इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के जो मुकाबले हैं आप देख सकते हैं। अब इंडियन टाइम के अनुसार ये मुकाबले रात के 8:30 बजे शुरू हो जाएंगे और अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप ये मुकाबले देखना चाहते हैं तो आप 8 बजे से जो ये मैच है इनका मजा आप ले सकते हैं। अब इंडिया में भाई साहब आप जो स्पोर्ट्स 18 है वहां पर आप ये मुकाबले फ्री में देख सकते हैं, या अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो भाई साहब जियो सिनेमा की एप्लीकेशन है वहां पर ये मुकाबले लाइव दिखाए जाएंगे और वहां पर ये लाइव मुकाबले फ्री में आप देख सकते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान से हैं तो भाई आप जो है ए स्पोर्ट्स करके आपकी एक टीवी चैनल है वहां पर आप देख सकते हैं, या ARY ZAP एक एप्लीकेशन है मोबाइल पर, वहां पर भी आप ये मुकाबले देख सकते हैं। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।